बेमौसम बरसात और लॉकडाउन के कारण भुरकुंडा प्रखंड के कई गांव के किसानों की फसल चौपट हो गई है, जिससे किसान दुखी हो गए हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन के बाद तैयार हुआ उनका फसल बर्बाद हो रहा है। इस मामले पर बिरसा चैक भुरकुंडा निवासी समाज सेवी सपूर्व चिकोर पैक्स अध्यक्ष कुशवाहा ने किसानों की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि लॉकडाउन और कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रखंड के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है और अगर जो फसल बची भी है उसके लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसानों में दुखी का माहौल है। इतना ही नहीं, सब्जियों की बिक्री किसी तरह हो जाए इसके लिए वे औने पौने दामों में ही बेचने को विवश हैं, जिससे उनकी लागत तो दूर मेहनताना भी नहीं मिल पा रहा है। इस पर उन्होंने प्रखंड प्रशासन, बड़कागांव विधायक, हजारीबाग सांसद से आग्रह की है कि किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु पिछले वर्ष का भुगतान किया जाए, साथ ही इस वर्ष भी किसानों का चयन कर आपदा राहत कोष से या अन्य फंडों से किसानों को आपदा से राहत दी जाए। हम लोग का टमाटर ये बिना मौसम बारिश के कारण पूरा बर्बाद हो गया है और बाज़ार लेके जाते हैं तो सही रेट भी नहीं मिलता है, 1 रुपये 2 रुपये किलो सबके पूछते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, उधर भी लगाया हुआ है टमाटर, उधर में भी है, सब बिना मौसम बारिश के कारण सब बर्बाद हो गया है टमाटर। और टमाटर बाज़ार में रेट लेके जाते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये किलो तक भी कोई नहीं पूछता है, सब इसीलिए बाजार खेत में ही सब छोड़ दिए, यहीं पर सड़ रहा है सब। मिर्चा फसल बारिश में पूरा बर्बाद हो गया, कबाड़ कबाड़ के फेंक रहा हूँ और बाज़ार ले जाते हैं 10-15 रुपये किलो में भी कोई नहीं पूछता है। टमाटर भी पूरा सड़ गया एकदम, टमाटर 2 रुपये 1 रुपये किलो, कबाड़ के हमें मिर्चा फेंक रहे हैं सर, मिर्चा कबाड़ के फेंक रहे हैं, पूंजी तो एकदम बर्बाद हो गया, कोई पैसा की लागत नहीं हुआ, जो लगाए कम से कम 20-25 हज़ार के पूंजी लगाए, मेरे एक पैसा प्राप्त नहीं हुआ। सब टमाटर भी ऐसी है, 1 रुपये किलो कोई नहीं पूछ रहा है। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ले।